आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि, मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं आज का राशिफल व पंचांग। मैं हूँ आपके साथ पूजा सिंह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज मंगलवार 8 अगस्त 2023 है। विक्रम संवत सर 2080 नल, शक संवत 1945 शुक्र। श्रावण अधिक कृष्ण पक्ष अष्टमी 9 अगस्त को प्रातः 3:52 तक रहेगी। सूर्योदय प्रातः 5:46 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। नक्षत्र भरणी 9 अगस्त को प्रातः 1:32 तक रहेगा। योग गंड शाम 4:42 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्र मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:22 से प्रातः 5:04 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय प्रातः 4:42 से प्रातः 5:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अशुभ समय राहु काल शाम 3:47 से 5:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका कार्य सफल ना हो, इसलिए इस समय को टालें और शुभ समय का इंतजार करें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 9453555111 पर रात 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने का मन बना रहे हो तो प्रातः 10 बजे के बाद अपना कार्य प्रारंभ करें, लाभ मिलेगा। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज समय की स्थिति आपके अनुकूल दिख रही है, अपने कार्यों को मन लगाकर करें, सफलता सुनिश्चित है। लंबी यात्रा से परहेज करें, लाभ मिलेगा। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने के अधिक योग बने हुए हैं। शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद घर से निकलें, दिन उत्तम रहेगा। आज लोहा न खरीदें। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज शत्रु बलहीन दिख रहा है, फिर भी पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता बनाए रखिए। लापरवाही असावधानी परेशानी का कारण बन सकती है। शिव जी की पूजा आराधना में रुचि रखें। अब जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज शिव जी के आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होना शुरू हो सकता है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझें, यही उत्तम होगा। जानते हैं कन्या राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सभी कार्य पूर्ण सावधानी के साथ में करें, लापरवाही से किए गए कार्यों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जानते हैं तुला राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी की मदद के लिए दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज लंबी यात्राओं के योग बने हुए हैं, यात्रा सोच समझ कर करें, असावधानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वाहन क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है, ज्यादा धन किसी नए कार्य में ना लगाएं। जानते हैं धनु राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने उच्च अधिकारियों से सावधानी बनाकर रखने की आवश्यकता है, किसी की गलत बातों में ना आए, किसी का अहित करने का विचार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप जानते हैं मकर राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेहनत का फल आपको हमेशा प्राप्त होगा। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज शत्रु मित्रता भाव अपना सकते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए शत्रु भाव अभी तक अपना रहा था, आज वह मित्रवत व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसे सावधानी बनाकर रखें। जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने का मन बना रहे हो तो दोपहर के बाद कार्य प्रारंभ करें, सफलता सुनिश्चित है। ध्यान रखें किसी महिला से भिड़ना परेशानी का कारण बन सकता है। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 9453555111 पर रात 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 बजे तक निःशुल्क।